Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I am going to share few different ideas of planters. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? मैंने अपने चैनल में बहुत सारे प्लांटर DIY शेयर किए हैं, जहां ओल्ड प्लास्टिक बॉटल से कैसे आप DIY कर सकते हैं, ऑयल कैन से DIY प्लास्टिक पॉट एंड इवन दिस पॉट पेपर DIY। ये बहुत ही इजी एंड इको फ्रेंडली भी है। घर की चीज़ों को नहीं फेंकते हुए कैसे प्लांटर बना सकते हैं, ये मैंने शेयर किया था। बट मुझे लगा क्यों ना बिना DIY किए कुछ प्लांटर आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, जहां पेंटिंग्स एंड स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस घर के कुछ पुराने एंड टूटे चीज़ों से कैसे सजाया जा सकता है। जैसे कि ये जार, ये मैं होम सेंटर से ली थी एंड ये सिरेमिक का है। मिसहैंडलिंग के वजह से ये नीचे से क्रैक हो गया है और अब मैं इसे प्लांटर की तरह यूज़ करती हूँ। इसमें ये फार्म हाउस वाली वाइब भी क्रिएट करता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मैं डायरेक्टली प्लांट को नहीं डालते हुए एक छोटा सा प्लास्टिक पॉट में जो प्लांटर होता है उसको ही इसके अंदर डाल देती हूँ। सिमिलरली इस तरीके के जार्स को मैं रियल फ्लावर्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। दिखने में क्यूट एंड एक नया लुक ऐड करता है अदर देन रेगुलर फ्लावर वास। नेक्स्ट, मेरे पास जितने भी बड़े प्लांट्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा बोहो वाइब क्रिएट करती हूँ। जैसे कि इस तरीके का बैग, ये एक्चुअली एक बैग ही था जिसे मैंने एक प्लांटर में सजा दिया है एंड इसमें थोड़ा बहुत DIY करके इसको थोड़ा सा यूनिक लुक दे दिया है। आप यहाँ पे बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल में इसे सजा सकते हैं। नेक्स्ट, ये केटल जो मम्मी ने DIY किया था, इसे मैं कभी कभार प्लांटर की तरह एंड कभी कभार वास की तरह यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर में कोई भी सिरेमिक केटल है, उसमें अगर आप प्रोपेगेशन की तरह प्लांट्स लगा दें तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। नेक्स्ट है ग्लास बॉटल प्रोपागेशन। इस तरीके के जो भी मनी प्लांट है या फिर मॉन्स्टेरा है, उसकी कटिंग्स अगर ग्लास बॉटल में रखते तो काफ़ी सुंदर लगता है। ये जो बॉटल है, ये एक सॉस बॉटल था जिसको मैंने DIY किया था, बट अगर आप प्लेन ग्लास बॉटल में भी रखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। And
लास्टली मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर देती हूँ। आई नो आपको भी सिरेमिक प्लांटर्स के बहुत शौक होंगे, मुझे भी है, बट यहाँ पर मैं एक टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आप प्लांट को डायरेक्टली सिरेमिक पॉट में ट्रांसफ़र करके लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पॉट काफ़ी गर्म हो जाता है। इसलिए मैं इस तरीके के प्लांटर्स जो थोड़े से क्रैक हो गए हैं साइड से, उसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि वो दिखने में सुंदर भी लगेगा एंड प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा। आई नो इसके अंदर जो प्लांटर है वो भी सिरेमिक का है, बट समहाउ इसमें ये ग्रो हो रहा है, इसलिए मैं इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर फ्यूचर में आप कोई भी पॉटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से प्लास्टिक पॉट बेस्ट रहेगा, मिट्टी का पॉट उसके अंदर लगा के सिरेमिक पॉट में रख दें, तो वो दिखने में सुंदर भी लगेगा एंड प्लांट अच्छे से ग्रो भी होगा। तो ये थे कुछ आइडियाज़ प्लांटर्स को रिलेटेड। आई होप आपको ये यूनिक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सारे होम रिलेटेड कॉन्टेंट शेयर करते रहती हूँ। एंड इस तरीके के यूनिक प्लांटर भी मेरे स्टोर में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो मेरे स्टोर को फॉलो कर सकते हैं एंड डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Can't stop thinking.